गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. कैन यू हियर मी? यू कैन स्टार्ट प्लीज. रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स. कैन यू हियर मी? आर यू ऑल एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके. सो फ्लैटिश मार्केट है एकदम, करेक्ट? एकदम फ्लैटिश मार्केट है. निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका एमटीएम इंक्रीज हो रहा होगा, स्ट्रेटेजी में चेक कर लो जरा, यस और नो? निफ्टी बैंक निफ्टी में इंक्रीज हो रहा होगा एमटीएम स्लो एंड स्टेडीली, यस? जस्ट अपडेट दी एमटीएम, एमटीएम अपडेट कर दो एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का. चले निफ्टी जुलाई वाला, यस. और जून वाला तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है ना, निफ्टी जुलाई वाला और बैंक निफ्टी वीकली. निफ्टी जुलाई वाले में मतलब एमटीएम नहीं है, फ्लैट है, ठीक है. और बैंक निफ्टी वीकली में उसमें कितना एमटीएम है? उसका भी एमटीएम बता दो. ओवरऑल व्यू बेरिश है, वापस मैं बोल रहा हूँ, बाउंस में शॉर्ट करना है, कोई भी बाउंस आता है शॉर्ट पे जान दो, ब्रॉडर व्यू बेरिश है. शॉर्ट पे ध्यान देना है, ठीक है? 380 तक हाई बनाया फिर वापस गिर गया, शॉर्ट पे ध्यान दो, ज्यादा बेटर है, शॉर्ट लग रहा है मार्केट. ठीक है मिस्टर सोन साहब, कोई बात नहीं, आपके पास मार्जिन कम होगा, राइट? बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में एक लॉट में कितना आ रहा है? 6-7 हजार रुपये आ रहे हैं. आर यू गेटिंग 6000 एमटीएम, 7000 एमटीएम? प्लीज रिप्लाई. हाँ उतना आ रहा होगा, 6800 के आसपास आ रहा है मेरा, ठीक है? ब्रॉडर व्यू बेरिश है, एक दो दिन साइडवेज है, उसके बाद वापस ये ब्रेकडाउन देगा और वापस नीचे की तरफ ये चलेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? ये वीकली कैंडल्स है और ये ब्रेकडाउन दिया हुआ है ऑलरेडी, ये रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब वापस ये सेल चालू हो जाएगा. 15,200 के नीचे जब डेली चार्ट पे क्लोजिंग देगा उस दिन से वापस फ्रेश फॉल स्टार्ट होगा, ठीक है? ये नोट डाउन कर लेना, 15,200 इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया इसने डेली चार्ट पे तो फिर फ्रेश फॉल वहां से चालू होगा, 500-600 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का भी हो सकता है, ठीक है? उतना फॉल. एक बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन सा स्टॉक रेडार पर रखना है और कौन से स्टॉक में कुछ ट्रेड ले सकते हैं क्या. स्टॉक्स वगैरह है, ऐसा नहीं है, मूवमेंट हो रहा है लेकिन रिस्की ट्रेड्स है और कुछ नहीं है. टाटा स्टील देखो 7% डाउन, ओ माय गॉड, 7% डाउन है, 840 का लो बना दिया टाटा स्टील ने. हिंडाल्को गया 313, हिंडाल्को 700 रुपए वाला स्टॉक 300 रुपए. इंडसइंड बैंक भी आ गया नीचे 772. अब बात है, सब स्टॉक नीचे आ रहे हैं. रिलायंस आ गया 2524 पे, रिलायंस भी 2400 तक लग रहा है. ओएनजीसी में पता नहीं क्या हुआ है, ओएनजीसी में बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा फॉल है ओएनजीसी में. आरबीएल बैंक आज भी गया, बंधन बैंक भी गया, बंधन बैंक 11% डाउन है. अब भी जस्ट गया है क्या बंधन बैंक? बहुत ज्यादा गया है अभी, 11% डाउन है. ओ हो, और ज्यादा नीचे था ये, 15-16% नीचे था ये. बंधन बैंक और आरबीएल बैंक ये दोनों में तो मतलब इतना बड़ा फॉल आ रहा है, नॉन स्टॉप फॉल आ रहा है, नॉन स्टॉप. कुछ ना कुछ बड़ा नेगेटिविटी न्यूज आने वाला है मार्केट में, मुझे लग रहा है बैंकिंग को लेकर ही वापस, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स इतना गिरते नहीं है इतना ज्यादा, 10-10%, 8-8%. उस दिन भी फेड ये 20% डाउन था आरबीएल,
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आने वाला है अबाउट बैंक्स, ये तो एक समझ लो, इसके लिए रेडी रहना, बाय मत करना कोई भी ये फेड। ये आरबीएल तो मुझे यस बैंक ही लग रहा है, समझ लो 6-7 रुपए भी आ सकता है, ऐसा भी है, तो बाइंग मत करना, एक बार रुक जाओ, कुछ मत करना, सिर्फ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करो, शांति से प्रॉफिट आ रहा है वो कमाना है। दो लॉट जिसने किया उसको 13-14 हज़ार रुपये आ रहे होंगे बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में, जितने लोगों ने दो लॉट में ट्रेड किया है। हाँ वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं फिर ट्रेड लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, मिड कैप काउंटर्स देखेंगे, क्योंकि ऐसे मार्केट में मिड कैप में ट्रेड करो और शॉर्ट टर्म में पैसा लेकर निकल जाओ, वही सबसे बेस्ट है, तो मिड कैप स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार बस, तो मिड कैप स्टॉक मिल रहा है तो बेस्ट है। कैप भी कोई रडार पे नहीं, इसमें देख लेते हैं मिड कैप कोई है क्या रडार पे, वॉल्यूम वाइज भी जी गया, इंडिया सीमेंट गया, अभी जी जाना चाहूंगा, इंडिया सीमेंट जानूंगा, केईआई इंडस्ट्रीज देखते हैं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वेलकॉप गया आज 10% डाउन है, वेलकॉप 11% डाउन है, बहुत सारे स्टॉक 10-10% डाउन है आज, केईआई इंडस्ट्रीज एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड लग रहा है, बाकी तो कोई स्टॉक नहीं लग रहा है, केईआई इंडस्ट्रीज मतलब ये मिड कैप काउंटर्स है, ये सब देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, ये सब में अभी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है इसमें, तो अभी मुझे लग रहा था इसमें बाइंग होगा, इसमें भी सेलिंग हुआ है, वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है, केईआई में भी, इंडिया सीमेंट में भी, अभी अभी जस्ट हुआ है, इंडिया सीमेंट केईआई ये सब में वॉल्यूम के साथ सेलिंग चालू हुआ है। पिडिलाइट में आज ऊपर है, राइट, पिडिलाइट थोड़ा ऊपर है आज, लेकिन पिडिलाइट भी आप मुझे बताओ, ये 15 मिनट का चार्ट है, इज दिस सेटअप फॉर बाय और सेल, यू टेल मी, जितने लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स किया उनको काफी अच्छे तरीके से पता है, इज दिस सेटअप इज बाय और सेल, दिस इज अ सेल सेटअप, करेक्ट, तो इसीलिए भले 5% ऊपर है लेकिन लेना नहीं चाहिए ये। ऐसे ऐसा बैंक फ्लैट है, एक्सिस फ्लैट है, बहुत सारे स्टॉक्स फ्लैट है, निफ्टी में बाउंस सस्टेन नहीं कर रहा, वो तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया था, ब्रॉडर व्यू अभी भी बेरिश है, ये थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है, 15,200 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोज देता है ना, वहां से उस दिन से लेकर कम से कम 1,000 पॉइंट का नीचे में फॉल आ सकता है, बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर रहा है बाउंस, बिल्कुल भी सस्टेन नहीं है, और आप स्टॉक्स की हालत देख लो, बहुत सारे स्टॉक 10-10% डाउन है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे, मतलब लिस्ट ऑफ स्टॉक अगर मैं निकालू 10-10% तो बहुत सारे स्टॉक्स डाउन है, मेरे हिसाब से अभी बॉटम बनना बाकी है, यहां से और करेक्शन आएगा, किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा फंसा मत लेना, पैसा फंसा मत लेना, आपको राइट एंट्री मिलेगा, राइट प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, जो भी स्टॉक बाय कर रहे हो मेक श्योर आप धीरे धीरे बाय कर रहे हो, 10-10 शेयर बाय कर रहे हो चलेगा, पैसा ब्लॉक मत कर लेना बस,
1500 का भी चलना स्टार्ट हुआ है, 165 ना, ये थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ है। ऐसे साइलेंट मार्केट में भी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आता है ना तो अच्छा है, तो बहुत बोरिंग मार्केट है एक्चुअली। ये भी गया, ये भी जाएगा, ये भी सेल आ चुका है, ये भी जाएगा। डीमार्ट मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया 3000 तक आ जाएगा, ये 400-500 रुपए का फॉल डीमार्ट में दिखता है यहाँ से, 500 रुपीज का फॉल। यस, वेट करते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी किया हुआ है, वेट करेंगे। किसी स्टॉक में अगर प्लान करते हैं मार्जिन रहेगा तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी करेंगे, वरना प्रॉफिट आने दो, कुछ नहीं करना है। जुलाई वाली स्ट्रैटेजी में 15,000 के नीचे जाना चालू होगा ना, तब प्रॉफिट आएगा, बिकॉज 15,000 का आपका बाइंग स्ट्राइक है, ठीक है। सो वंस दैट स्ट्राइक प्राइस गेट एक्टिवेट ना, तब आपको एमटीएम दिखना चालू हो जाएगा। 15,200 के नीचे क्लोज देगा ना, तो उस दिन आपको एमटीएम दिखना अच्छा चालू हो जाएगा। जाएगा तो सही, ये मुझे लग रहा है कल आफ्टरनून में जाएगा, कल भी थोड़ा फर्स्ट हाफ में फ्लैट रहेगा, उसके बाद जाएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ना, ये रेड लाइन के आसपास ही घूम रहा है, ये ब्लैक कलर का लाइन, ये जैसे ब्लैक कलर का लाइन रेड लाइन के नीचे हुआ, -100 के नीचे, तो ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड, वापस फ्रेश डाउन ट्रेंड चालू होगा। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, ये ब्लैक कलर वाला लाइन नीचे की तरफ टर्न होना चाहिए, -100 के नीचे, बस ये रेड कलर लाइन के नीचे टर्न होना चाहिए बस। क्रूड ऑयल भी गिव अप कर दिया ना, सारा गेम्स गिव अप कर दिया, 8519 था और अभी 8400, पूरा गेम्स गिव अप कर दिया क्रूड ऑयल। निफ्टी भी जा रहा है, क्रूड ऑयल भी जा रहा है, दोनों साथ में गिर रहा है। फोरकास्ट नहीं आया ना अभी तक नेचुरल गैस को, इसका इसका फोरकास्ट नहीं आया ना अभी तक। 23 तारीख देखते हैं ना, यहाँ देख लेते हैं 23 तारीख में क्या फोरकास्ट आया है क्या, क्योंकि रात में जो भी क्रूड ऑयल का मूवमेंट होगा ना, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फोरकास्ट आएगा, फोरकास्ट के हिसाब से। तो सर इवन बार थोड़ा वेट कर लो, ये फोरकास्ट आने दो, अगर ये 92B से नीचे की तरफ फोरकास्ट आ रहा है, लेट से 70B और 75B, ठीक है, 75 बैरल, तो फिर नेचुरल गैस खींच लेगा, क्योंकि फोरकास्ट अगर अच्छा आ रहा है, इन्वेंट्री मतलब लेस हो रहा है, तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से ये फोरकास्ट तक वेट कर लो, क्योंकि आगे का जो भी मूवमेंट है ना, ये फोरकास्ट के ऊपर डिसाइड होगा, इसलिए ये वेबसाइट मैंने ओपन किया होगा। ये तो है, तो वैसे रिकवरी कर रहा है, ये देखो ना, यहाँ पर मैंने लाइन भी खींचा हुआ है, ये प्योर सेल ट्रैप या बेयर ट्रैप जो बोलते हैं ना, ये लेवल क्रॉस कर लिया ना इसने, तो ये प्योर बेयर ट्रैप बन जाएगा, ये बेयर ट्रैप जो शॉर्ट के ट्रैप्स होते हैं ना, वैसा सेटअप है ये। देखो ना, यहाँ पे ये फॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, परफेक्ट रिट्रेसमेंट हुआ, फिर फॉल हुआ, यहाँ पे लोगों ने फ्रेश शॉर्ट डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि ये लेवल ब्रेक किया है। अब अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर ये सारे शॉर्ट वाले ट्रैप हो जाएंगे, ऐसा है। तो देखते हैं क्या पैटर्न बनता है, वो देखते हैं। मेरे हिसाब से फोरकास्ट आने दो, उसके हिसाब से ही आगे का मूवमेंट डिसाइड होगा। फोरकास्ट आने दो, फोरकास्ट के हिसाब से होगा डिसाइड। क्रूड गिरेगा तो एनजी भी गिरेगा क्या? नॉर्मली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं मिस्टर दिव्य निवार।
क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं नॉर्मली, अगर क्रूड गिर रहा है तो एनजी ऊपर जाता है, ऐसा 90% ऑफ द टाइम्स ये होता है। निफ्टी देखो आया निफ्टी नीचे, निफ्टी आना चालू हुआ नीचे, निफ्टी नीचे आना चालू हुआ, देखो ये चलना चालू हुआ 15,300 का पी, इसमें अभी एल्गो के हिसाब से बाय आया था 145 के आसपास, इसलिए मैं इसका रेट देख रहा हूँ। मैंने ट्रेड नहीं लिया है, मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा हूँ बस, 20 रुपया फेवर में है ट्रेड अभी। फिफ्टी सेवन क्या बात है, क्या जाना चालू हुआ, देखो निफ्टी 255 जोर से गिरना चालू हुआ, देखो निफ्टी 253, देख लो क्या जोर से गिरना चालू हुआ है। देखो अभी मैंने आपको बोला ट्रेंड नीचे है, ये इवेंचुअली इसको गिरना ही गिरना है, ऐसा है इवेंचुअली इसको गिरना ही गिरना है। अपोलो हॉस्पिटल भी थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। सन फार्मा फ्लैट हो गया एक्चुअली, निफ्टी रिकवर करके फिर हुआ ना तो थोड़ा फ्लैट हो गया, बट ये भी गिरेगा, ये भी वीकली चार्ट पे सेम पैटर्न है इसका भी, ये भी जाएगा, ये एक बड़ा कैंडल इसमें बनने वाला है, ये तो श्योर है। इसने इन्वर्टेड कप पैटर्न बनाया हुआ है वीकली चार्ट पे और ब्रेकडाउन भी दिया है, दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। उल्टा कप पैटर्न बनाया इसने, वो भी वीकली चार्ट पे, इसमें भी एक बड़ा रेड कैंडल बनना बाकी है, बनेगा वो 30-40 रुपए का एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा। वोलाटिलिटी लेकिन ज्यादा है, देखो ना वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, अभी 15,254 था, वापस एक स्पाइक दिया 3 बजे के आसपास, क्या हो रहा है, एक वोलाटाइल कैंडल बन रहा है। अगर आपको याद है फ्राइडे को भी बना था, अभी भी 3 बजे का ही कैंडल है ये, ठीक है, एक वोलाटाइल जिगजैग कैंडल बन रहा है 3 बजे के आसपास, फ्राइडे को भी बना था सेम कैंडल, जिगजैग वोलाटाइल कैंडल बना था अगर आपको याद है, मैंने मॉर्निंग में दिखाया था, यस ये वाला कैंडल जिगजैग कैंडल, अभी भी सेम वैसा ही कुछ कैंडल बनेगा लग रहा है। हाँ सनफार्मा भी कैरी ट्रेड है, मैंने तो किया हुआ है, एक लॉट लिया हुआ है और वो कैरी ट्रेड है। बीएसई भी बहुत गिरा है, यस बीएसई आप देख लो, कोई भी स्टॉक देख लो, कोई भी अच्छे अच्छे स्टॉक देख लो आप, सब नीचे। बीएसई भी काफी अच्छा स्टॉक है, ये भी सीडीएसएल भी अगर आपको पता है, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, ये भी काफी नीचे आया है, 1800 से लेके 1000 रुपये आ गया। एमसीएक्स भी काफी अच्छा स्टॉक है एक, ये भी काफी नीचे आ गया, करेक्ट, ये भी मंथली चार्ट पे बहुत ये हो गया। कोफोर्ज एक मैंने आज देखा था, कोफोर्ज भी बहुत ज्यादा नीचे आ गया, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, 6,000 वाला आधा आधा हो चुका है। ये सब पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स है, मतलब ये जो मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ये सब स्टॉक्स क्वांटिटी में रखते हैं, जैसे एलएनटी है, ठीक है, एलएनटी है, टीसीएस है, ये सब क्वांटिटी में रहता है,
एलएनटी भी 1400 आ चुका है, 1460, 2200 वाला 1415, ये तो सपोर्ट भी तोड़ दिया, ये भी सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने, ये सपोर्ट था इसका, ये भी ब्रेक कर दिया इसने, तो और खराब है, तो 1000 तक भी आ सकता है, और खराब है ये तो, ये तो मार्च 2020 का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया इसने, एलएनटी ने मार्च 2020 का सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया इसने। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, एकदम पीक पे है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। गिरने दो, इवेंचुअली गिरने दो मार्केट को, क्योंकि तभी क्या है हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे के रेट में लेंगे, उसमें भी प्रॉफिट आएगा। जैसे एसआरएफ है 1800 के आसपास लेना है, अपोलो हॉस्पिटल मैंने आपको बताया, डीमार्ट मैंने आपको बताया, पिडिलाइट मैंने आपको बताया, ये सब स्टॉक्स में मतलब नीचे के लेवल पे लेने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से अभी नीचे का लेवल आना बाकी है। थर्टी टू 500, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, जबकि एचडीएफसी ट्विंस दोनों पॉजिटिव थे, फिर भी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों पॉजिटिव थे, फिर भी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया। हाँ बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, ये सब बहुत ज्यादा डाउन है, एक्चुअली बहुत ज्यादा डाउन है, 11-11%, 12-12%, 8-8%, इंडसइंड बैंक भी डाउन है, बैंक निफ्टी का कंपोनेंट कंपोनेंट में डाल के रखा, ऐसा बैंक नहीं है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में, ऐसा बैंक का बेटे झटा दिया क्या, ऐसा बैंक काउंट ही नहीं है, ऐसा बैंक व्हाट इज द प्राइस, चेक कर लेते एक बार जरा, बंधन बैंक 12% डाउन है, क्या बात है, एक्सिस और आईसीआईसीआई, ये दो बैंक्स पे थोड़ा ध्यान दो, ये भी आपको नीचे में मिलेंगे यार, एक्सिस और आईसीआईसीआई, ये भी नीचे में मिलेंगे। तीन बजे बाद बीटीएससी एसटीबीटी ट्रेड रन करेंगे, अगर कोई ट्रेड मिलता है बीटीएससी एसटीबीटी ट्रेड लेकर जाएंगे 3 बजे बाद, 5-6 मिनट वेट करते हैं। ऑलमोस्ट कितना, 2 दिन से तो निफ्टी वहीं पे ही है, 15-300 के आसपास ही है, 2 दिन से दोनों दिन डोजी कैंडल बना है, स्मॉल डोजी कैंडल्स है दोनों दिन, वेट करते हैं 5 मिनट। बैंक निफ्टी का नीचे का रेंज और डीप है ना, मतलब 31,000 के आसपास है ना मिस्टर आशीष, तो ठीक है, तो कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है,
और भी आज मंडे भी गया तो ट्यूजडे वेडनेसडे ठीक है, मेरे हिसाब से आराम से इस बार उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए। थर्सडे तक वेट वेट करेंगे उसमें, थर्सडे मॉर्निंग तक वेट करेंगे अगर लेट से प्रॉफिट रेंज में ही है तो। ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर जाएंगे, मतलब 30,000 मैक्सिमम है तो 25 तक ट्राई करेंगे हम लोग, 25 तक मिले। अपोलो हॉस्पिटल चलना चाह रहे हैं, औरो फार्मा क्या लगता है? औरो फार्मा देखते हैं, औरो फार्मा तो वैसे भी हालत खराब हो चुका है स्टॉक, ये तो मतलब बहुत भयंकर लग रहा है, खराब ही लग रहा है, बहुत ज्यादा खराब है ये। इससे दूर रहो, औरो फार्मा से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। बहुत ज्यादा खराब है, मंथली चार्ट है ये। यहां तक तो मिनिमम लग रहा है 350 तक, ओरो फार्मा हाथ मत लगाना इसमें, कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना मत, 350 तक इजीली लग रहा है ये, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा लेकिन 350 तक आ सकता है, 300 तक भी आ सकता है नीचे में। ये लेवल्स बहुत बड़े बड़े लेवल्स आ रहे हैं, देखो ना निफ्टी में भी एज पर सीसीआई और ये सब सेटअप बहुत नेगेटिव है, बहुत बेरिश है ये। दो तीन मिनट और वेट करते हैं फिर बीटीएसटी रन करेंगे, एसटीबीटी रन करेंगे, तो ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। वॉलेटाइल है ये, देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा था सुबह मॉर्निंग में, जो बता रहा था अभी जो अभी भी मैंने एक चीज बताया था, ये रेड लाइन, अगर ये ब्लैक कलर का लाइन अगर रेड लाइन के नीचे जाना चालू हुआ ना, टर्न होगा तो फ्रेश डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट अ सेल सेटअप है, कंफर्मेशन ब्लैक कलर का लाइन रेड कलर का लाइन के नीचे आना चाहिए, फ्रेश डाउन ट्रेंड चालू होगा। ये जो फॉल आया था अगर आपको दिख रहा है, ये फॉल यहां से आया था, वापस अगर ये नीचे गिरा तो यहां पे आपको वापस और फॉल देखने मिलेगा, ऐसा सेटअप है। और स्टॉक जा रहे हैं देखो ना, बीएसई देखो, बीएसई आज भी 6% नीचे है, एसआरएफ भी 4% नीचे है, सब जितने भी अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है सब जा रहे हैं। कोई ना कोई या तो बड़ा इन्वेस्टर मुझे लग रहा है स्टॉक सेल आउट कर रहा है। आईएक्स का क्या प्राइस है मिस्टर दिवे नेवार, ये भी गया है क्या? आईएक्स, ओहो 168 प्राइस आ गया आईएक्स, ये भी बहुत ज्यादा गया है ये भी नीचे। कितना प्राइस था इसका? 300 का प्राइस था इसका, 300 वाला 168 आ चुका है, ये और भी नीचे आ सकता है, ये 150 तक तो इजीली लग रहा है, ये 140 150 तक 10 15-20 रुपए और लग रहा है।
FIR DII सेलिंग कर रहे हैं, DII डेली बाय और रिटेल ट्रैप हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना रिटेल ट्रेडर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब फॉल चालू होता है ना, देखो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको इनफैक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, वही मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर भी एज अ ट्रेडर भी। लेट्स से कोई मार्केट ये एक पर्टिकुलर लेवल था, यहाँ से मार्केट जोर से गिरा, इतना बड़ा कैंडल बनाया, ठीक है, बहुत जोर से गिरा, 15,000 आ गया लेट्स से, ठीक है, एज्यूम करते हैं यहाँ पे 15,000 आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे एक दो ग्रीन कैंडल बनाता है और इन्वेस्टर को क्या लगता है कि बस अब और स्टॉक गिरेंगे नहीं, बॉटम बन चुका है, और वो यहाँ पर ही एक ही प्राइस पे सब माल लेना चालू कर दे। ज्यादातर इन्वेस्टर ये गलती करते, अगर आपने देखा हो, ठीक है। अभी कई लोगों ने क्या किया होगा, 1400, 1500, 1200, 1100, 1000 में भी लिया होगा टाटा स्टील, और आज 850 का भाव है। अब इसमें क्या होता है, जब नेक्स्ट कैंडल बनता है ना रेड कैंडल, जब इसके बाद एक और जब बड़ा रेड कैंडल बनता है ना यहाँ पे, अब इसमें अगर टाटा स्टील 500 रुपये आ जाए या 600 रुपये आ जाए तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचता है खरीदने के लिए। येस और नो प्लीज रिप्लाई, टेल मी ऑनेस्टली। फिर उनका 950 का एवरेज का टाटा स्टील पड़ा रहता है और 600 रुपये का भाव चालू रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेट करो, ये कैंडल जब बनेगा ना तब हमें एंटर करना है, हमें ये कैंडल में एंटर नहीं करना है। अभी तो ये मंथली का एक कैंडल बना है, इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आएगा तो बहुत जोर से जाएगा ये, ठीक है। आई होप समझ, जिन लोगों ने 250-300 में लिया है टाटा स्टील, वो 950 में बेचने जरूर आएंगे, 850 में बेचने जरूर आएंगे, क्योंकि उनको ये हो रहा है कि 1200-1300 में नहीं निकला तो एटलीस्ट 850 में निकल जाए, समझो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टाटा स्टील का, ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो स्टॉक है जो गिरते जा रहे हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, सेम है, सेम स्टोरी आईएक्स के साथ है, सेम स्टोरी है, आईएक्स में भी सेम स्टोरी है। ये देखो 3 बजे का कैंडल, मैंने आपको बोला वॉलेटाइल कैंडल बनाता ही है, यस और नो देख लो। अभी 3 बजे का कैंडल, ये भी 3 बजे का कैंडल था, ये लाल वाला 3 बजे का कैंडल था, और अभी भी ये कैंडल बना है। अभी देखते हैं ये 3:15 को कहां तक कंप्लीट होता है, पर 3 बजे का कैंडल आजकल वॉलेटाइल कैंडल बना रही है, अगर आपने ऑब्जर्व किया। वॉलेटाइल कैंडल जो हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल था वही ये वॉलेटाइल कैंडल बना रहा है 3 बजे का कैंडल। एक बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, कोई मिड कैप काउंटर मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, ऐसे निफ्टी 50 वाले में ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा रिस्की है। मिड कैप काउंटर्स में ले सकते हैं क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स को ज्यादा निफ्टी से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। मिड कैप काउंटर्स देख लेते हैं, बस मिड कैप कोई काउंटर है तो ठीक है, वरना कुछ मतलब नहीं है। बंधन बैंक में बहुत वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है, ओ माय गॉड, 12% डाउन है, बंधन बैंक गया, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गया, जी भी गया, जी में भी एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ सेलिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेलिंग है एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम वाइज भी देख लेते हैं, बाइंग में कोई मिड कैप काउंटर नहीं है, खाली एक वो कैम्स आ रहा था वो भी अभी निकल चुका भाई। वॉल्यूम स्कैन में भी चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम में भी बाइंग में कोई स्टॉक नहीं है। अशोक लेलैंड देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, बाकी तो कुछ माइक ITI लिमिटेड, चलो एक मिला, एक तो मिला, चलो दो स्टॉक मिला है, अशोक लेलैंड और ITI, ये दोनों स्टॉक देखते हैं हम लोग।
आईटीआई देखते हैं ये कौन सा स्टॉक, एक मिनट है, सिंबल क्या है इसका, आईटीआई एलएससी कम्युनिकेशंस देखते हैं। बेटर फ्यूज है क्या ये? नहीं ना, ये भी नहीं है। आईटीआई करके स्टॉक का नाम है, सिंबल तो यही दिखा रहा है आईटीआई, नाम क्या है इसका? आईटीआई यही दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ये। वेट ऑन मिनट, हाँ मिला आईटीआई, ठीक है ये एक आया है और आईटीआई के साथ में एक और आया है ये, अशोक लेलैंड, ठीक है ये भी ऐड कर लेते हैं। ये दोनों स्टॉक चेक कर लेते हैं। आईटीआई लिमिटेड एक बाय आया है, डेली पे देख लेते हैं क्या स्टोरी है, चल सकता है ये मिड कैप शॉर्ट टर्म चल सकता है ये, ठीक है। अशोक लेलैंड चेक कर लेते हैं, नहीं नहीं लेना है अशोक लेलैंड, नहीं चलेगा। आईटीआई एक है जो शॉर्ट टर्म में हम लोग ले सकते हैं, प्योर इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आज लो दो तीन दिन बाद में सेल आउट कर दो, एकदम सिंपल है, ठीक है आज लो दो तीन दिन बाद में सेल आउट कर दो, एकदम प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये। हाँ इसका टारगेट होगा 100 के आसपास का, 100 के आसपास का टारगेट या 105, उससे ज्यादा नहीं, मैसेज कर रहा हूं मैं, एकदम शॉर्ट टर्म है, प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये आईटीआई। हाँ मैसेज कर रहा हूं मैं, वेट ऑन मिनट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेड मैसेज किया, देखो मैसेज मिला होगा, चेक कर लो। हाँ निफ्टी ऊपर आया है थोड़ा, देखते हैं यहां पर भी आ रहा है, कोई भी बाउंस है 15400 15500 के आसपास शॉर्ट ही है, इतना एक सिंपल समझ, 15500 15400 के आसपास कोई भी बाउंस आ रहा है, इट इज अ वेरी गुड शॉर्ट ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल चला 3%, 3% अप, अपोलो हॉस्पिटल चलना। फार्मा स्टॉक्स में कुछ बाइंग आया अचानक, सन फार्मा भी थोड़ा ऊपर आया है, अपोलो हॉस्पिटल आया ऊपर, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा बाइंग आया है। सिप्ला क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं, सिप्ला भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हिलता नहीं है ये, 200-200 का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये सिप्ला, इतना मार्केट गिरा है फिर भी ये गिर रहा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। मुझे तो नहीं लगता निफ्टी सस्टेन करेगा, देखते हैं, कोई भी बाउंस है नेगेटिव कैंडल है, शॉर्ट ही करो बस, शॉर्ट पे ही ध्यान देना है। शॉर्ट ही है ये निफ्टी का चार्ट भी आप देख लो, यहाँ पे शॉर्ट ही है, देखो ना यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये निकलेगा नहीं इतना इजीली, वहाँ पे सब लोग लॉन्ग में फंसे हुए हैं, तो इनसाइड कैंडल बना रहा है, इनसाइड कैंडल करके ब्रेकडाउन देगा ये।
क्लोजिंग थोड़ा ठीक दे रहा है, बट उससे व्यू चेंज नहीं होने वाला, ब्रॉडर व्यू बेरिश ही है। क्लोजिंग थोड़ा सा ये ठीक ठाक दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप बना रहा है, ये दिख रहा है क्या, कप एंड हैंडल टाइप बना रहा है छोटा सा, बहुत बड़ा कुछ ये नहीं है। ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, 400 450 तक जा सकता है, 15450 400, बट दैट लेवल इज ऑल्सो अ गुड शॉर्ट लेवल ऐसा है। बैंक निफ्टी, ये निफ्टी वाला जुलाई वाला एक बार एमटीएम बता दो, और बैंक निफ्टी का एमटीएम बता दो बस। यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हाँ सिर्फ एमटीएम बता दो। सिर्फ एक आईटीआई का ट्रेड लिया है, बाकी कोई ट्रेड नहीं लिया लोगों ने, आईटीआई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है। हाँ सन फार्मा वाला, ये सन फार्मा वाला ओपन है बराबर, पुट वाला ट्रेड ओपन है, करेक्ट। सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड बैंक निफ्टी, ठीक है, दो सेट वालों को 14,000 आ रहा होगा। मिस्टर प्रशांत देशमुख, आर यू अटेंडिंग द वेबिनार? मिस्टर प्रशांत देशमुख आई थिंक नहीं है, ठीक है। दो दो लॉट वाले, जितने लोगों ने दो लॉट किया होगा ना, उनको 14-15 हजार आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट है, ये फोरकास्ट नहीं आया अभी तक, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फोरकास्ट आता तो सबसे पहले फिर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी चालू हो जाता। फोरकास्ट आया नहीं, फोरकास्ट आज ही आएगा, मंडे है ना, आज ही आएगा, मंडे को ही आता है फोरकास्ट नॉर्मली। क्लोजिंग ठीक दिया है, 15,400 450 तक जा सकता है, पर उससे ज्यादा ऊपर नहीं लगता है। ओवरऑल शॉर्ट ही, ब्रॉडर व्यू अभी भी बेरिश है, ठीक है, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं, सेम मॉर्निंग वेबिनार 9:30, कोई ट्रेड रहा डेफिनेटली हम लोग लेंगे। अभी सिर्फ आईटीआई लिया, ओहो आईटीआई भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। हम लोगों ने अभी कितना में दिया था, मैसेज 92 में दिया, अभी 94.50, 95 हो गया, देखो 3 रुपया बढ़ गया है ये। आईटीआई पे ध्यान दो, 3 रुपया बढ़ गया आईटीआई। अभी मैंने मैसेज दिया था, 5 मिनट ही नहीं हुआ है, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो अभी भाव देखा है, ठीक है। यही एक ट्रेड लिया है, और सन फार्मा का पुट खड़ा है 790 का, और निफ्टी स्ट्रैटेजी खड़ा है जुलाई वाला, बैंक निफ्टी वीकली स्ट्रैटेजी खड़ा है, करेक्ट, ओके। सो कल सुबह मिलते हैं, सेम 9:30 मॉर्निंग वेबिनार। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।